चलते हैं आपको रीवा, जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सही, मगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, व्यापारियों की दुकान, मिडिल साइज स्मॉल साइज बिजनेसेस जंप स्टार्ट करना, जैसे इंजन में डीजल डाला जाता है, बिना डीजल के इंजन को चालू तो नहीं किया जा सकता ना। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके गब्बर सिंह टैक्स लगाकर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के इंजन में से डीजल निकाल दिया। अब वो दिन भर वहां अपने कमरे में बैठे चाबी घुमाते रहते हैं, कुछ होता नहीं है। उनको यह समझ नहीं आ रही कि अर्थव्यवस्था बिना पैसे नहीं चल सकती। आपने पूरा पूरा पैसा निकाल दिया, आपने नोटबंदी कर दी, गब्बर सिंह टैक्स लागू कर दिया, पूरा का पूरा पैसा आपने अनिल अंबानी को दे दिया, 30,000 करोड़ रुपए राफेल घोटाले में, 45,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ। तो न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को चालू करने का पहला कदम, और इससे सिर्फ गरीबों को फायदा नहीं होगा, व्यापारियों को, स्मॉल मिडिल बिजनेस वालों को फायदा होगा, युवाओं को फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा। जिसकी भी आमदनी, यहां जो आदिवासी भाई आए हैं, दलित भाई आए हैं, आप अच्छी तरह सुनिए, जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम है, जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम है, उसके बैंक अकाउंट में साल के 72,000 रुपए जाने वाले हैं, और उस दिन तक जाएंगे जिस दिन तक उस व्यक्ति की आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीने से कम की होगी। जिस दिन उसकी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीने से ज्यादा होगी, उसको न्याय योजना का पैसा नहीं मिलेगा, मगर उस दिन तक न्याय योजना का पैसा हर महीने हर साल उसके बैंक अकाउंट में सीधा जाएगा। मुझे यहां बहुत पुरुष दिख रहे हैं, थोड़ी महिलाएं दिख रही हैं, मुझसे गुस्सा मत होना, मैं साफ बोल देता हूं, न्याय योजना का पैसा 5 करोड़ बैंक अकाउंट में जाएगा, मगर महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाने वाला है। मुझे बाद में मत बताना ये क्या कर दिया आपने, महिलाओं को पैसा दे दिया, वो आपके बीच में उनके बीच में, मेरा काम 72,000 रुपए 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में 25 करोड़ लोगों को देने का है। मैं अपना काम पूरा कर दूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की जनता से झूठ बोला, हिंदुस्तान के जनता को कहा था 15 लाख रुपए दूंगा, झूठ था, 3,60,000 रुपए की सच्चाई है। इससे हिंदुस्तान को फायदा होगा और न्याय मिलेगा। 5 साल नरेंद्र मोदी ने अन्याय की सरकार चलाई, हम न्याय की सरकार चलाएंगे। अब चलिए थोड़ी किसानों की बात करते हैं। मैंने नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी की बात की, और मैंने आपसे कहा कि देखिए इनका लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हुआ, ठीक है। कमलनाथ जी ने, गहलोत जी ने, बघेल जी ने 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कर्जा माफी कर दी, मगर एक बात बची, एक बात बची, ताली मत बजाइए, कौन सी बात बची? नीरव मोदी कर्जा लिया, उसने वापस नहीं दिया, वो जेल के अंदर है या बाहर? अंदर बाहर? बाहर। विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया, अंदर बाहर? अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपए कर्जा, 30,000 करोड़ रुपए चोरी का पैसा, अंदर बाहर? ठीक है। अब अगर यहां का किसान, आप लाखों करोड़ रुपए छोड़िए, अगर यहां का किसान, रीवा का किसान 10,000 रुपए कर्जा लेता है और वापस नहीं देता, वो जेल के अंदर होता है या बाहर? अंदर। तो ये आपको बात सही लगती है क्या कि हिंदुस्तान के चोर जेल के बाहर, चौकीदार उनकी मदद करे और हिंदुस्तान के ईमानदार किसान जेल के अंदर? कांग्रेस पार्टी को यह बात अच्छी नहीं लगी, मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी, रीवा की जनता को यह बात अच्छी नहीं लगी, तो हमने कानून बदलने की बात की। मैनिफेस्टो में एक लाइन लिख दी है रीवा के किसानों, सुनिए,
2019 में चुनाव जीतने के बाद रीवा, मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा। एक लाइन न्याय, नरेंद्र मोदी जी, अगर आप चाहते हो कि हिंदुस्तान का किसान 20,000 रुपए के लिए जेल जाए तो पहले आप उस चोर अनिल अंबानी को जेल में डालो, उस चोर नीरव मोदी को जेल में डालो। उस दिन तक, जिस दिन तक वो बाहर घूमेंगे, उस दिन तक हिंदुस्तान का किसान भी जेल में नहीं मिलेगा, वो भी बाहर घूमेगा। युवाओं से कहना चाहता हूं, मोदी जी ने आपको सबसे बड़ा धोखा दिया, यहां युवा प्रत्याशी हैं, सबसे बड़ा धोखा किसानों को नहीं, दुकानदारों को नहीं, सबसे बड़ा धोखा युवाओं को। 2 करोड़ युवाओं को हर साल मैं रोजगार दूंगा, नरेंद्र मोदी के शब्द। सच्चाई, 24 घंटे में 27,000 युवाओं से नरेंद्र मोदी जी की सरकार रोजगार छीनती है, हर 24 घंटे। लाखों करोड़ों युवाओं से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने रोजगार छीना। मैंने पता लगाया, बेरोजगारी का समय 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और 22 लाख सरकारी नौकरियां आज खाली पड़ी हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, एक साल के अंदर 22 लाख सरकारी नौकरी आपके हवाले कर दी जाएंगे। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। 10 लाख युवाओं को सरकार मिनटों में, नरेंद्र मोदी की सरकार 10 लाख युवाओं को पंचायत में रोजगार दे सकती है, नहीं देती। कांग्रेस पार्टी की सरकार 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार देगी। रीवा के युवा अलग अलग बिजनेस खोलना चाहते हैं, मगर परमिशन की जरूरत होती है, सरकारी ऑफिस में जाना पड़ता है, परमिशन मांगना पड़ता है। एक ऑफिस में जाओ, परमिशन मांगो, दूसरे ऑफिस में जाओ, तीसरे में, चौथे में, हर ऑफिस में घंटे बैठो, परमिशन लो, 6-7 महीने लगते हैं। पता लगता है कि पूरा का पूरा पैसा फॉर्म भरने में, परमिशन लेने में चला गया, बिजनेस चालू नहीं हुआ। हमने निर्णय लिया है युवाओं के हाथ मजबूत करने के लिए, 2019 चुनाव जीतने के एकदम बाद हिंदुस्तान के कोई भी युवा को, किसी भी युवा को, रीवा के किसी भी युवा को बिजनेस चालू करने के लिए किसी सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। आप अपना बिजनेस चालू करो, व्यापार शुरू करो, युवाओं को रोजगार दो। जो ज्यादा युवाओं को रोजगार देगा उसको बैंक लोन मिलेगा, बैंक का पैसा मिलेगा, अनिल अंबानी को नहीं मिलेगा। और तीन साल बाद जब आपका बिजनेस तैयार हो जाएगा, जब आपके पास 10, 15, 20, 30, 40 लोग काम करेंगे, आपके साथ हिंदुस्तान की मदद करेंगे, तब आप सरकार के पास जाना, कहना 3 साल पहले मैंने बिजनेस चालू किया था, अब मेरे साथ 20, 30 लोग काम करते हैं, मैंने हिंदुस्तान को रोजगार देने का काम किया, अब आप जो परमिशन देना चाहते हो मुझे दे दो, आसानी से आपको परमिशन मिल जाएगा। यह हम आपके लिए करना चाहते हैं। देखिए, आपके सामने एक निर्णय है, एक तरफ 15 लाख रुपए का झूठ, दूसरी तरफ 3,60,000 रुपए की सच्चाई, न्याय योजना। एक तरफ 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम, दूसरी तरफ लाखों युवाओं को न्याय योजना का फायदा, व्यापारियों को न्याय योजना का फायदा, 22 लाख सरकारी नौकरियां, 10 लाख पंचायतों में नौकरी। ये सच्चाई है, सच्चाई हम कर सकते हैं, खोखले वायदे हम आपसे नहीं करेंगे। मैं यहां आके आपको झूठ नहीं बोलूंगा। आप याद रखिए, आदिवासी भाई, किसान भाई, आप याद रखिए, आपकी जमीन की लड़ाई कौन लड़ा था, कौन सी पार्टी लड़ी थी? जमीन अधिकरण बिल, ट्राइबल बिल, पैसा कानून, जल, जंगल, जमीन की रक्षा किसने की? कांग्रेस पार्टी ने की, हम सब ने की मिलकर। आपका जो हक है उसके लिए हम लड़े,
और नरेंद्र मोदी जी ने पैसा कानून को कमजोर किया, ट्राइबल बिल को कमजोर किया, जमीन अधिकरण बिल को कमजोर किया। जहां भी उनको मौका मिलता है अंबानी जी को अदानी जी को आपकी जमीन उठा के दे देते हैं। छत्तीसगढ़ जाइए, पहली बार जमीन अधिकरण बिल में टाटा कंपनी से जमीन लेकर वापस आदिवासियों को दी गई। ऐतिहासिक काम। क्यों ली गई, क्यों दी गई? क्योंकि जमीनी अधिकरण कानून में साफ लिखा था अगर 5 साल के अंदर कंपनी ने उद्योग नहीं खड़ा किया, फैक्ट्री नहीं बनाई, तो जमीन वापस बस्तर के आदिवासियों को दी जाएगी। हमने कानून लागू किया है। हम सिर्फ न्याय चाहते हैं। आप 5,55,000 करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ करना चाहते हो तो फिर किसानों का भी कर्जा माफ होगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे रीवा की, जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने जीएसटी की बात करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, तो साथ ही कांग्रेस की उपलब्धियां भी गिनाई और न्याय योजना के बारे में विस्तार से बताया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए डीएनए न्यूज के साथ। नमस्कार। देश के दिल से दिल्ली तक।